बंगाल से आई सरस्वती पूजा की तस्वीरों में कितनी सियासत है, कितनी आस्था है, कितना वोट एंगल है। आज बंगाल की पूरी सियासत सरस्वती पूजा के इर्द गिर्द क्यों घूमने लगी? दुर्गा पूजा के अंदर माँ दुर्गा की मूर्ति के विसर्जन नहीं करने देते हैं, ये वाजिब है क्या? ऐसा होना चाहिए क्या? जरा जोर से बोलिए, होना चाहिए क्या? सरस्वती पूजा स्कूलों में बंद कर दी गई, होना चाहिए क्या? मैं गारंटी देता हूँ, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, डंके की चोट पर दुर्गा विसर्जन होगा और सरस्वती की पूजा होगी, कोई रोक नहीं सकता आपको। बंगाल को आके आप उंगली दिखा रहे कि इधर में पूजा ममता दीदी ने नहीं करने देता है। हम तो पूछने चाहूंगे, आपको भी पूजा करते हैं? खाली एक सिंदूर का तिलक कटने से पूजा नहीं होता है, पूजा का मंत्रों का कंपटीशन हो क्या? अमित बाबू और मोदी बाबू चलाओ हमारा साथ, देखते हैं किसका अंदर में कितना संस्कृत मंत्रों है, हम दिखाता है। बंगाल का चुनाव क्या देवी देवताओं पर होगा? क्या नेताओं के मुंह में भगवान, दिमाग में वोटर है? क्या है टीएमसी का हिंदुत्व वर्सेस बीजेपी का हिंदुत्व? क्या बंगाल में हिंदू वोटर है भाग्य विधाता? आप सरस्वती पूजा की तस्वीरों से बदलते सियासी समीकरण को समझ सकते हैं, क्योंकि बंगाल में बीजेपी की एंट्री के बाद सियासी मैच एकदम बदल गया। बीजेपी के जय श्री राम वाले कार्ड से ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती पुराने परफॉर्मेंस को बरकरार रखना है, यानी स्कोर कार्ड हाई होगा तभी बीजेपी से फाइट अच्छी होगी। सबसे पहले बंगाल में टीएमसी का स्कोर कार्ड और स्ट्राइक रेट पर एक नजर। 294 सीट में से टीएमसी ने 211 सीट जीती। 2016 में ममता ने क्लीन स्वीप किया था, टीम ममता ने करीब 70% सीट जीती। हिंदू प्लस मुस्लिम टीएमसी की जीत का फार्मूला। इस बार बंगाल के फाइनल सियासी मैच की डेट अभी नहीं आई है, लेकिन प्रैक्टिस मैच में पक्ष विपक्ष के बड़े बड़े खिलाड़ियों के शॉट्स बहुत कुछ कह रहे हैं। यहाँ को सियासी पिच पर दर्शकों को आकर्षित करने के लिए लगाए जा रहे शॉट्स की बात बहुत जरूरी है। बीजेपी का फेवरेट शॉट जय श्री राम, टीएमसी का काउंटर शॉट जय सियाराम, बीजेपी का बाउंसर दुर्गा से बड़े श्री राम, टीएमसी का बाउंसर माँ दुर्गा का अपमान, टीएमसी की स्पिन गेंद सरस्वती पूजा, बीजेपी की स्विंग गेंद ममता का पश्चाता। धर्म की धुरी पर बंगाल की सियासत घूमने लगी। ममता बनर्जी ने बसंत पंचमी पर ट्वीट किया तो टीएमसी के हेडक्वार्टर से लेकर चौक चौराहों तक नेता सरस्वती वंदना पढ़ते हुए नजर आए। यहां आपको ये समझना है कि फाइनल मैच से पहले टीम ममता और टीम नड्डा के बीच मैदान पर कभी राम कभी दुर्गा, तो अब बसंत पंचमी पर मां सरस्वती पर दाव खेला जा रहा है। मकसद है हिंदू वोट को अपने पाले में खींचना। टीएमसी हेडक्वार्टर पर सरस्वती पूजा, जगह जगह सरस्वती पूजा का आयोजन, सरस्वती पूजा पर टीम ममता वर्सेस टीम नड्डा। मैं ब्राह्मण परिवार से आया और पूजा पाठ मेरा छोटा जब उम्र से ही मैं ये काम कर रहा है, और हमारी ये पार्टी ऑफिस में पूजा होता है, इधर में ईद होता है, इधर में पूजा होता है, ये पार्टी हॉफिस हर धर्म के आदमी इधर में आता है, सब कुछ माना जाता है इधर में, क्योंकि हमारी लीडर ममता बनर्जी उन्होंने हर धर्म की श्रद्धा करते हैं, हर धर्म के लिए पूजा पाठ हो रहा है। उन्होंने सरस्वती पूजा बंद करके जो पाप किया है ना उसका प्रायश्चित कर रहे हैं, दुर्गा पूजा का विसर्जन में बाधा डाल के जो पाप किया है इसलिए दुर्गा दुर्गा कर रहे हैं, माँ दुर्गा इनको वरदान नहीं करेगी। सरस्वती का बंगाल में सैकड़ों साल से पूजा होता है, घर घर में होता है, मंदिर में होता है, क्लब में होता है, हर स्कूल में होता है, कई स्कूलों में आज सरस्वती पूजा बंद हो गया है इनके चलते, उसको चालू नहीं कर पा रहे। आज लोगों को दिखावा के लिए इस प्रकार सरस्वती पूजा का ढोंग कर रहे हैं, इससे समाज समझने वाली नहीं है। आप भी तो आज उद्घाटन कर रहे हैं कई जगह। हम तो हमेशा करते हैं, हम बचपन से करते हैं, ये बंगाल की कल्चर है, ये बेचारे बांग्लादेश का कल्चर बंगाल में थोपना चाह रहे हैं।